बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह इससे पहले जी उठे हैं, तो वो कैसे जी उठने वालों में पहलौटा कैसे हुआ? ये बात जरा समझ में नहीं आती है कि लोग कंफ्यूजन में ना हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के दूसरे भाग के विषय में, जहां 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिखा है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 5 पद, और 5 पद में हमने सीखा था कि वो पत्र जो भेजा गया है 7 कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह की ओर से, दोबारा ये क्यों रिपीट किया गया है इसके बारे में सीखा था। और हमने ये सीखा था कि 3 जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, 3 मुख्य बातों के विषय में सीखा था। पहला, विश्वासियों के साक्षी, मरुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, यानी प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला और उसका पद। और हमने विश्वासियों के साक्षी यानी पहला भाग जो था पिछले संदेश में, इसके बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे दूसरे भाग के विषय में कि मरुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा जो है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी हाँ, मेरे साथ निकाल लीजिए एक बार फिर से इस पद को जो है रिपीट कर लेते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 5 पद को। यहां लिखा हुआ है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी और मरुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मरुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, ये दूसरा भाग है जो आज हम सीखेंगे। देखिए, यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं कि वो मरुओं में से जी उठा, वो पहलौटा है, बिल्कुल सही बात है, वो पहलौटा है। मगर हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हर बात को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, हर बात को लेकर बहस करते हैं, हर बात की चर्चा करने लगते हैं। इसलिए हमें छोटी सी छोटी बातों पर भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि आखिर यीशु मसीह पहलौटों में से पहले जी उठा, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह से पहले भी जी उठे, बहुत से लोग, और ये बात परमेश्वर का वचन कहता है और ये बात झूठ भी नहीं है। जब बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह इससे पहले जी उठे हैं, तो वो कैसे पहलौटों में पहलौटा हुआ, जी उठने वालों में पहलौटा कैसे हुआ? ये बात जरा समझ में नहीं आती है कि लोग कंफ्यूजन में ना हो, इसलिए इस पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहां पर क्या है, यीशु मसीह के पहले जी उठने का यानी मरुओं में से जी उठने वाला पहला फल है। तो वो पहला फल कैसे है कि दूसरे क्यों नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह से पहले भी जुटे? और प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुतों को जीवित किया और चेलों ने भी यही कार्य किया है। चलिए देखते हैं, पहले हम जब आप पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय उसका 17 से 24, एली और दूसरा राजा 4 अध्याय 32 से 37 पद तक, एलिया और एलिशा के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि 2 विधवाएं थी एलिया के समय में भी और एलिशा के समय में भी, और उन दोनों विधवाओं के पास उनके एक एक पुत्र था, और वो पुत्र जो है उनके समय में वो मर गए, और एलिया ने भी विधवा के उस पुत्र को जीवित किया और एलिशा ने भी जो है उस विधवा के पुत्र को जीवित किया है, परमेश्वर का वचन जो है ये बताता है। फिर दूसरी चीज है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, मती 27 और उस अध्याय और उसका 50 से 53 पद तक, यहां पर जब आप पढ़ेंगे यीशु मसीह जब क्रूस पर है, क्रूस पर प्राण त्याग रहा है, तो वहां लिखा है कि पृथ्वी डोल गई और चट्टाने तड़क गई और कब्रें खुल गई। ध्यान दीजिएगा, जब आप मती 27 का 50 से 53 पद तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा, जब यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ है और जब वो अपने प्राण को त्याग रहा है, तो लिखा पृथ्वी डोल गई, चट्टाने तड़क गई और कब्रें खुल गई, और उसमें से बहुत से पवित्र लोग जो हैं वो जीवित हो गए। जी हाँ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि बहुत से पवित्र लोग जो हैं उसमें क्या हुए, वो जीवित हो गए। अब देखिए, एलिया और एलिशा के समय में भी, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब प्राण त्याग रहा है उस समय भी बहुत से लोग जीवित हो गए, और जब प्रभु यीशु मसीह
कार्य कर रहा था उस समय भी, जब आप मती 9 का 18 से 19 और 23 से 26 पढ़ेंगे और मरकुस 5 अध्याय और उसका 21 से 24 और 35 से 43 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है याइर नामक एक आराधनालय का सरदार था, उसकी पुत्री को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। जी हाँ, उसकी पुत्री को भी जीवित किया। अब पहले मैं वो बता रहा हूं जो मर गए थे और जिनको प्रभु यीशु मसीह ने और जिनको प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने जीवित किया, उनके बारे में वर्णन कर रहा हूं। और ये बात क्लियर होगी कि यीशु मसीह फिर पहलौटों में मरुओं में पहलौटा कैसे है, मरुओं में पहला फल कैसे है, इस बात को हम सीखेंगे और इस बात को जान रहे हैं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर किसी ने ये सवाल आपसे कर लिया कि सब प्रभु यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठा, पहला फल हो गया, क्योंकि बहुत से लोग मर गए, आप इसको कैसे कह सकते हैं? तो हमारे पास इस बात का जवाब होना चाहिए। लिखा हुआ है पहला कुरंतियों 15 का 20 लिखा हुआ है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। अब देखिए, वचन गलत नहीं हो सकता है और परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो झूठ नहीं बोल सकता है कि परंतु सचमुच, यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया कि सचमुच यानी हकीकत है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल। अब ये कैसे, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक इसको नहीं जानेंगे तो क्या है, पहली बात जो जीवित हुए हैं, देखिए सबसे पहली बात हमें यह जानना, जो जीवित हुए हैं वो फिर मर भी गए, पहली चीज, और जो जीवित हुए हैं वो फिर मर गए, और जो जीवित हुए हैं उनका कोई ईश्वरीय रूप नहीं था, ठीक है, उन्होंने मरने के बाद किस रूप को प्रकट किया है या उनका कौन सा रूप बना है? मरने के बाद जो जीवित हो गए वो रहे तो इंसान, मामूली इंसान रहे, उनका कोई और रूप तो बना नहीं। परंतु यहां पर जो है परमेश्वर का वचन जो इस बात को बताता है, जब आप पढ़ेंगे कुलुसियों 2 अध्याय उसका 9 पद, यहां क्या लिखा, क्योंकि उसमें ईश्वर तक की सारी परिपूर्णता साधे वास करती है। यहां यानी शरीर के साथ ईश्वर तक की यानी परमेश्वर की जो परिपूर्णता है उसके अंदर निवास करती है, उसके शरीर में वास करती है। सबसे पहली चीज तो यह है। और जब जिसके जो ईश्वरीय रूप था उसका, जब वो मरकर जी उठा तो वही ईश्वरीय रूप जो था उसका हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज जितने भी मुर्दे हैं जो मर गए हैं और मरकर जी उठे, जिनके बारे में हमने अभी वर्णन किया है, उनका कौन सा रूप बना? उनका तो वही मनुष्य रूप रहा और उसके बाद फिर वो मिट्टी में मिल गए, मगर यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा पहला कुरंतियों, दूसरी बात जो है पहला कुरंतियों 15 अध्याय उसका 54 और 55 पद, पहले मैं 54 पद पढ़ रहा हूं, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमृता को पहन लेगा, तो वे वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। देखिए नाशवान का मतलब क्या है, यानी ये जो शरीर जो हमारा नाश होने वाला है, जब ये अविनाश को मतलब ना नाश होने वाले तत्व को पहन लेगा, और वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह हमारी जय है, और उसने क्या करा, उसने मृत्यु को निगल लिया। देखिए अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने मृत्यु को बनाया नहीं था, बहुत से लोग कहते हैं ना मृत्यु रखी गई थी, मृत्यु बनाई गई थी, नहीं, कहीं पर भी इस बात का वर्णन नहीं है कि परमेश्वर ने मृत्यु को बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि आप जानते हैं रोमियो में पौलुस क्या कहता है, रोमियो में पौलुस कहता है कि मृत्यु है क्या आखिर, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर सारी चीज पवित्र बनाई थी, कोई भी चीज अपवित्र नहीं थी, अशुद्ध नहीं थी और मृत्यु के अगोश में आने वाली नहीं थी। मगर ये तो हमें मनुष्यों को जो स्वतंत्रता दी है, हमने उस स्वतंत्रता का नजायज फायदा उठाकर उस मृत्यु को हासिल कर लिया और जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मृत्यु ने हमारे जीवन में प्रवेश करा। अब वो जो मृत्यु हावी हो गई थी, उसी मृत्यु को खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने उस मृत्यु पर क्या करा, हम लोग जो मृत्यु से डरते थे, अरे अब कौन बचाएगा, मर जाएंगे, कभी जीवित नहीं होंगे, कभी हम अब सांस नहीं ले सकते, कभी हम कुछ नहीं देख सकते, मगर यीशु मसीह के जीवित होने पर ये सारी बातें जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, कि यीशु मसीह ने क्या करा, मृत्यु को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 55 पद में है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही,
हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अब जरा यशया 25 का 8 पद भी देख लेंगे, यहाँ क्या लिखा है, वे मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसे ही कहा। क्या करा है कि वो मृत्यु को क्या करेगा, सदा के लिए नाश करेगा। और यीशु मसीह के द्वारा जो है उसने मृत्यु को सदा के लिए नाश करा है। तभी तो आप यूहन्ना 11 अध्याय पढ़ लीजिए, जब मार्था मरियम का जो भाई था लाजर जब मर गया है और मार्था क्या कहती है, प्रभु तू अगर यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, मैंने तो उससे नहीं कहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और मैंने एक बात अपने पिछले संदेश में शायद आपने सुना होगा, एक बात है जब आप मत्ती 17 अध्याय पढ़ेंगे, यीशु मसीह का रूपांतर होता है। अब यीशु मसीह का वहां पर रूपांतर होता है और यीशु मसीह के साथ दो लोग दिखाई देते हैं और वो दो लोग कौन है, मूसा और एलिया। अब यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, मूसा और एलिया जने कितने वर्ष पहले, यानी 1000 वर्ष पहले उस मर गए थे, मगर वहां पर एलिया और मूसा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर के लोग थे और परमेश्वर में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए वो मरने के बाद भी जीवित रहे। और यही हमारे साथ होता है जब हम मरते हैं। कभी मृत्यु के बारे में संदेश सुनाएंगे तो बहुत सी बातें निकल कर आएंगे, परंतु आज हमारा संदेश बिल्कुल अलग है। यहां होशे और 13 और 14 पद में क्या लिखा हुआ है, 13 अध्याय के 14 पद में, मैं उसको अधलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु तेरे मारने की शक्ति कहां रही, अधलोक तेरे नष्ट करने की शक्ति कहां रही, मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। अब यहां क्या लिखा, देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, मृत्यु तेरे मारने की शक्ति कहां रही, हे हदलो जो तू हर समय आदमियों को निगल जाती थी वो कहां रही उसकी शक्ति। देखिए मृत्यु की शक्ति जो थी, मृत्यु की जो सामर्थ्य थी, मृत्यु की जो ताकत थी, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये खत्म हो गई। क्या किसी मनुष्य के द्वारा ये ताकत खत्म हुई है कि वो मनुष्य जीवित हो गया और हर एक मनुष्य को एक नया जीवन मिला हो, जी नहीं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह को छोड़। जब वो जीवित हुआ तो हम भी उसके साथ जीवित हो गए और हमें जीवन मिला। और प्रभु यीशु मसीह कहता ना, यूहन्ना 10 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ते चले जाएंगे तो लिखा है, मैं आया जीवन देने बल्कि बहुतायत का जीवन देने आया हूं। बहुतायत का जीवन पाया, किसी के मरकर, किसी व्यक्ति के मरकर जी उठने से किसी ने जीवन नहीं पाया, परंतु यीशु मसीह के मरकर जी उठने से हमने जीवन पाया और बहुतायत का जीवन जो है वो पाया है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। फिर क्या लिखा हुआ है, जब आप प्रकाशित वाक्य 1 का 18 पद पढ़ेंगे, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। अब यूहन्ना पास्मो टापू पर है, वो दर्शन देख रहा है, वो देख रहा है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह उससे क्या कह रहा है, देख मैं वो हूं जो मर गया था, देख अब मैं जीवित हूं, और क्या कह रहा है कि अधलोक की और क्या कहते हैं उसकी कुंजियां मेरे पास हैं। अब यीशु मसीह के पास मृत्यु की और अधलोक की कुंजियां हैं। अब अधलोक की कुंजियां और मृत्यु की कुंजियां जो है ये वो दिखा रहा है, देखिए मेरे पास है। मृत्यु क्या कर सकती है, जब तक मैं मृत्यु को खोलूंगा नहीं, जब तक मैं मृत्यु को भेजूंगा नहीं, जाएगी कैसे, है तो मेरे हाथ में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यही बताता है कि यीशु मसीह के हाथ में अब मृत्यु हो गई है, अब वो किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। अगर कोई प्रभु में मर रहा है, अगर कोई प्रभु में जीवन व्यतीत कर रहा है, यदि वो मर भी जाता है तो वो जीवित रहता है। इसलिए यीशु मसीह को पहला, जितने भी लोग मर गए हैं उनमें जो जीवित हुआ है वो पहलौटा है, क्योंकि उसके मर कर और उसके जी उठने से बहुत इंसान का बहुत सा जीवन जो है वो बदल गया है, और जो मृत्यु अदन की वाटिका में सारे मनुष्यों के ऊपर छा गई है। लिखा ना पौलुस कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो दूसरे मनुष्य के द्वारा क्या आया, जीवन आया, क्योंकि उसने ये कर दिखाया कि मृत्यु के मारने की शक्ति जो है वो समाप्त हो गई है। और तीसरी बात जो हम यहां पर करेंगे, जो तीसरा जो पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं कि जितने भी लोग जो हैं जो मर गए हैं और मरकर जीवित हो गए हैं और उसके बाद फिर मर गए, कहां गए वो, उनका स्थान क्या था, आप जान सकते हैं कि वो कहां गए, भाई कहीं ना कहीं तो गए होंगे, मगर यीशु मसीह जो है वो कहां गया,
वो मरकर जो जीवित हो गया वो कहां गया। देखिए क्या बात है, एक बहुत बड़ी बात है। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 24 पद, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। देखिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर कहां प्रवेश कर रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होता है तो उसका ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है, वो ईश्वरीय रूप में आ जाता है, क्योंकि जो ईश्वरीय रूप था जिसको छोड़कर वो आया था उसको फिर प्राप्त करता है, मगर जो मर गए उनका पास किसी भी प्रकार का कोई रूप नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह जो है जिसने मृत्यु पर विजय पाई है और मृत्यु उसके हाथ में है, यहां पर मनुष्यों के हाथ में मृत्यु नहीं है। और कितने भी बड़े आप नासा के साइंटिस्ट हो जाएं या कितने बड़े भी क्यों ना आ जाएं, किसी के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में मृत्यु का मृत्यु पर अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु का अधिकार है और उसने मरकर इस बात को साबित किया है। और दूसरी बात, यीशु मसीह मरकर कहां गया, मरकर जीवित हो गया, और जीवित होने के बाद वो कहां गया, और हम जो मर गए हैं वो जीवित होने के बाद कहां रहे, यहीं संसार में रहे, यहीं संसार में बढ़ते रहे, यहीं संसारिक लोगों से मिलते रहे, यहीं संसार में बातें करते रहे, बस ये रहा, अरे ये भाई जो मर गया था इसको यीशु मसीह ने जिलाया, इसको एलिया ने जिलाया, इसको एलिशा ने जिलाया, उसके बाद वो बड़ा होता गया, फिर मर गया, फिर मिट्टी में मिल गया। मगर यीशु मसीह युगानुयुग तक जीवित है, वो नहीं मरा और स्वर्गीय स्थानों में उसने प्रवेश किया शरीर समेत, जिस शरीर के साथ वो जीवित हुआ। चौथी बात जो है, यीशु मसीह जीवित होकर आज भी जो है वह हमारे बीच में है, जो मर गए हैं वो हमारे बीच में है, ये जो जीवित हुए हैं उनके बारे में आज जानते हैं, आज उनका नामो निशान नहीं है, मगर यीशु मसीह का नाम युगानुयुग तक जो है वो चलता है। आज भी यीशु मसीह का नाम जो है इस सारी पृथ्वी के ऊपर है। जी हाँ, मैं अब आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में है कैसे। मेरे साथ निकाल लीजिए मती 18 और उसका 20 पद, मती 18 उसके 20 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। देखिए क्या, जहां दो या तीन, जब हम दो या तीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक जो है हमारे बीच में हमारे बीच में प्रकट होता है, हमारे बीच में आता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे साथ बैठकर आनंदित होता है, हमारे साथ वो भजन करता है, हमारे साथ वो प्रभु की बातों को लेकर आनंदित होता है, हमारे बीच में होता है और इसका प्रूफ भी मिलता है हमारे जीवन में देखने को। परंतु जो मर गए उनका तो नामो निशान नहीं है, जो मर गए हैं वो आज हमारे बीच में दिखाई नहीं देते हैं, मगर यीशु मसीह जो है वो कहता है कि जहां मेरे नाम से दो या तीन होंगे वहां मैं होऊंगा, और यीशु मसीह होता भी है। यहां पर एक पद और है, यूहन्ना 15 का 16 पद, क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा, 15 का 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। देखिए आज भी ये वचन पूरा होता है, क्यों, यीशु मसीह अगर मरा होता और जीवित नहीं होता उसके नाम से, देखिए उसके नाम में कितनी पावर है, उसके नाम से हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं वह हमें मिलता है, परमेश्वर हमें देता है। परंतु जो मर गए और जीवित हो गए और फिर मर गए उनके नाम से आप मांग के देखिए, मिलेगा कुछ, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि यीशु मसीह जितने भी लोग मर गए हैं उनमें जी उठने वालों में पहलौटा है, क्योंकि उसकी खूबियां अलग हैं, वो ईश्वरीय तत्व में प्रकट होता है, वो हमारे बीच में आज भी प्रकट होता है, उसने मृत्यु पर विजय पा ली है, मृत्यु और अधोलोक उसके अधिकार में हो गए, उसके हाथ में है, और ये किसी मनुष्य के पास नहीं है, इसलिए वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला फल है, इसलिए कहा जाता है उसको। और लास्ट में एक पद में और पढ़ाकर खत्म करूंगा, इफिसियों 2:6 है, 2:6 में लिखा है, और यीशु लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। देखिए जितने भी लोग हैं हम जब प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं और जब जीवित होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं। और क्या कहते हैं यीशु मसीह का, यीशु मसीह के बारे में, वो युगानुयुग जीवित है, वो कहता है मैं युगानुयुग तक जीवित हूं, अब वो मरने का नहीं है, वो कभी मरने का नहीं है। और इसलिए कहा जाता है कि यीशु मसीह मरुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है,
यीशु मसीह मरुओं में से जी उठने वालों में पहला फल है, क्योंकि वो सारी चीजें उसके जीवन में देखने को मिलती हैं, उसके अंदर देखने को मिलती है जो किसी मनुष्य में नहीं। इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आप समझ गए होंगे, यदि आपको कोई कहे कि यीशु मसीह से भी पहले लोग जी उठे हैं, उसके बाद भी जी उठे, वो पहला उठा कैसे हुआ? कहना ऐसे ऐसे है वो पहला उठा। और इसी के साथ हमारे अंदर यह विश्वास बढ़ता है कि हम भी जो हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। क्यों? मैं आपको सही बात बताऊं ना, मैं मरने से नहीं डरता। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि मुझे पता है कि अब मृत्यु की कोई वैल्यू नहीं रही है। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो जैसे ही मरूंगा मैं प्रभु में, यदि मैं प्रभु में मरता हूं तो मैं तुरंत जीवित होकर प्रभु के पास पहुंचूंगा, सीधे प्रभु के पास। आप उसका दृष्टांत पढ़ लीजिए, लाजर का कहानी को पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है कि धनवान व्यक्ति था और लाजर था। लाजर मर गया, वह कहां पहुंचा? अब्राहम की गोद में। अब्राहम की गोद का मतलब क्या होता है? शांति की जगह, जहां प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप करता है, बातें करता है, प्रभु के प्रभु उन लोगों से मुलाकात करता है, उनके बीच में होता है। यही हमारा भी है। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित रहें हमेशा, ताकि प्रभु की आशीषों में को ग्रहण कर सके, और ये मानते रहें कि यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला फल है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।